धोनी युवराज की दोस्ती में क्यों पड़ी दरार, हो गई ढेरों सवालों की बौछार। देखते रह गए रोहित कोहली धोनी की जिंदगी का, सामने आया ऐसा राज, क्रिकेट जगत में मच गया कोहराम। कैप्टन कूल पर लगा सबसे बड़ा इल्जाम, सोशल मीडिया पर फैंस ने काट दिया बवाल, सचिन सोच भी नहीं सके, दिग्गज प्लेयर ने खोल कर रख दिए सारे धागे, लगाई ऐसी दहाड़, मच गया हाहाकार। धोनी ने किया था युवराज का करियर बर्बाद, सामने आया योगराज का बड़ा बयान, युवराज के लिए कर दी ऐसी मांग, जयशाह से लेकर गंभीर हो गए परेशान, बीसीसीआई के सामने खड़ा हो गया ये संकट। पहली बार धोनी युवराज की दोस्ती को लेकर ऐसा सच सामने आया जिसने सबके होश उड़ा कर रख दिए। सचिन तेंदुलकर से लेकर दुनिया के महान बल्लेबाजों ने भी नहीं सोचा होगा उससे भी बड़ा सच सामने आया जिसने पूरे क्रिकेट जगत को हिला कर रख दिया। धोनी पर पहली बार किसी ने ऐसे गंभीर आरोप लगाए कि फैंस के पसीने छूट गए। इधर रोहित कोहली बांग्लादेश के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज की तैयारी में लगे थे कि उधर धोनी युवराज पर हुए खुलासे ने सबको हैरान कर दिया। खुद जयशाह से लेकर गौतम गंभीर इस मामले को लेकर परेशान हो गए हैं क्योंकि यह मामला लाइमलाइट में आ चुका है और इंडियन क्रिकेट पर सवाल उठने लगे हैं जिसके बारे में आगे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले धोनी पर कौन से गंभीर इल्जाम लगाए गए उसको जान लेते हैं। दरअसल धोनी युवराज एक ऐसी जोड़ी जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता क्योंकि दोनों ने भारत को एक बार नहीं बल्कि कई मर्तबा चैंपियन बनाया है। दोनों ने एक साथ तीनों फॉर्मेट में 273 से ज़्यादा मैच तक खेले, लेकिन इस बीच योगराज सिंह ने धोनी पर बेटे युवराज के करियर को बर्बाद करने का आरोप लगाया जिसने इंटरनेट पर हंगामा खड़ा कर दिया। रिपोर्ट्स की माने तो क्रिकेट और खिलाड़ियों पर बेबाक राय देने वाले योगराज सिंह ने धोनी को आड़े हाथों लिया। योगराज ने कहा कि युवराज सीनियर टीम में और ज्यादा योगदान दे सकते थे लेकिन धोनी ने ऐसा नहीं होने दिया। उन्होंने ये भी कहा कि युवराज इंडियन क्रिकेट का बेजोड़ ऑलराउंडर था। हालांकि इस बात में कोई संदेह भी नहीं किया जा सकता क्योंकि युवराज की तारीफ देश के महान बल्लेबाज ही नहीं बल्कि दुनिया के कई दिग्गज क्रिकेटर्स ने भी की है। हालांकि योगराज ने भी ये दावा किया है कि युवराज 4-5 साल और देश के लिए खेल सकते थे। उनके इस बयान ने सोशल मीडिया पर नई बहस छेड़ दी है। योगराज सिंह यही नहीं रुके, उन्होंने एक इंटरव्यू में यह भी कहा है कि वो कभी भी एमएस धोनी को माफ नहीं करेंगे। धोनी को अपना चेहरा आईने में देखना चाहिए, वो एक बहुत बड़े क्रिकेटर हैं लेकिन उनके बेटे के साथ यानी कि युवराज सिंह के साथ जो हुआ उससे माफ़ी नहीं मिल सकती। उन्होंने जीवन में कभी किसी को माफ़ नहीं किया जिसने उनके साथ गलत किया, फिर चाहे वो उनके परिवार का ही क्यों ना हो। युवराज सिंह ने चैलेंज देते हुए ये भी कहा कि युवराज सिंह जैसा बेटा कोई पैदा करके दिखाए। यहाँ तक कि गौतम गंभीर और वीरेंद्र सहवाग भी कह चुके हैं कि उन्होंने कभी युवराज सिंह जैसा खिलाड़ी नहीं देखा था। उसने कैंसर से लड़ते हुए देश के लिए वर्ल्ड कप जीता, इसलिए उसे भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए। आपको बता दें युवराज सिंह साल 2011 में वर्ल्ड कप के दौरान कैंसर से जूझ रहे थे। उन्होंने टूर्नामेंट में एक सेंचुरी और 4 अर्धशतक की मदद से 362 रन बनाए थे। उन्होंने साथ ही 15 विकेट अपनी झोली में डाले जिसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया था। युवराज 2000 से 2017 तक इंटरनेशनल क्रिकेट में एक्टिव रहे। उन्होंने 402 इंटरनेशनल मैचेस में 11,178 रन बनाए जिसमें 17 शतक और 71 अर्धशतक शामिल हैं। उन्होंने 148 विकेट चटकाए। रिपोर्ट्स की माने तो युवराज सिंह और धोनी ने भारत के लिए एक साथ कुल 273 मैच खेले। दोनों ने क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में कई बार यादगार साझेदारियाँ की। दोनों क्रिकेटर धोनी की कप्तानी में T20 वर्ल्ड कप और वनडे वर्ल्ड कप जीत के दौरान लिमिटेड ओवर्स की टीम का चेहरा थे। युवराज सिंह ने 2007 T20 वर्ल्ड कप और 2011 वनडे वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीत में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने वनडे वर्ल्ड कप में मिडिल ऑर्डर में टीम को मजबूती दी। गेंदबाजी में भी यूवी ने धमाल मचाया था जिसकी तस्वीरें आज भी इंटरनेट पर देखने को मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत पॉजिटिव।